अगर आप सच में अपनी परेशानी को हल करना चाहती हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल अपनी खुशी अपने हाथों में होती है, दूसरों के हाथों में हमें अपनी खुशी की चाबी कभी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए आज आपकी खुशी की चाबी मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। ऐसा उपाय जिसे करने के बाद आप शादी इनकी खुश रहेंगे और इस चाबी को कभी अपने से दूर नहीं करेंगे, हमेशा इस चाबी का शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करे आपको बताती हूँ कि आखिर वो चमत्कारी विधि, वो चमत्कारी उपाय है क्या। वो तरीका है प्रचंड वशीकरण का तरीका। जी हाँ, कोई आपका अपना आपसे रूठ गया है, आपसे नाराज है, या कोई ऐसा काम जिससे आप किसी से करवाना चाहते हैं, तो वो है कि आपके काम को करने से लगातार इनकार कर रहा है, तो आप इस वशीकरण विधि को अपना कर उसे अपने वश में कर सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। और अगर कोई नाराज है तो उसकी नाराजगी भी आप इस वशीकरण की विधि से बस मिनटों में दूर कर सकते हैं। आइए अब मैं बताती हूँ आखिर आपको ऐसा क्या फायदा है जिसके जरिए आप अपनों की खुशियाँ पा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको सामग्री बता देती हूँ जो आपको चाहिए होगी। आपको चाहिए होगा एक नींबू जो पूरी तरह से साफ होना चाहिए, बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए, और उस व्यक्ति के सर के बाल जिससे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और शमशान की थोड़ी सी मिट्टी की आपको इस विधि के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी ही इस विधि को बहुत प्रचंड बना देगी। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे एक ऐसा प्रचंड मंत्र जिसका प्रयोग जब आप इस विधि के साथ करेंगे तो ये विधि और भी प्रचंड हो जाएगी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है। ध्यान रहे कि नींबू साफ होना चाहिए। अब इसको बीच से कट करके और इसके बीच उस इंसान के बाल रखें जिसे अपने वश में आप करना चाहते हैं, और इस पर शमशान की थोड़ी सी राख भी छिड़क दें। और अब इस नींबू को दाएं हाथ में पकड़ें और उस इंसान का ध्यान करें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसका नाम लेकर इस मंत्र को बोलें, ओम क्रीम क्रम क्रम भस्म स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। फिर इस नींबू को ले जाकर चौराहे पर फेंक दें, और ध्यान रहे कि इस विधि को करते वक्त कोई और इंसान आपको ना देखे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर देखें कैसे आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, और कोई आपकी जिंदगी में ऐसी समस्या है जिसे हल करके आप परेशान हो गए हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको गुरु जी को कॉल करना है और अपनी परेशानी